Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. If you like this video, please share and comment. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada. Assalamu alaikum, good morning, wakti morning mein bahut bahut khush aamdeed hai aap sab. Umeed hai theek thaak honge, khair khairiyat se honge, apne pyaron ke saath honge, sehatyab honge, khush honge. Acha sa jo hai aapka ye weekend ka start hone wala hoga. मैं तो आज स्पेशली माओं से पूछना चाहती हूँ कि बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, बच्चों की तो आती है जब उन्हें पता चलता है कि विंटर वेकेशंस होने वाली हैं और घर में हल्ला गुल्ला मचा होता है. सुबह में से मज़ा भी आता है कि सारे घर पे हों, एक साथ नाश्ता हो रहा है, थोड़ा लेट उठना होता है. लेकिन माओं का क्या ख्याल होता है? माएँ मुझे लगता है उस दिन ज़्यादा खुश होती हैं जिस दिन स्कूल्स दोबारा स्टार्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिलता है. बच्चों को जब वो सी ऑफ कर देती हैं, उसके बाद घर में थोड़ा सा टीवी देख लेती हैं, चाय शाय पी लेती हैं, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, एक वर्ड इसमें बड़ी हंसी भी आती है, सस्ता लेना, थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं. मतलब वो जो पूरे दिन की जो थकन होती है सारा कुछ, वो जो थोड़े से आपके पास घंटे होते हैं ना, 3-4, उसमें वो जस्टिफाई हो जाती है कि आपको अपना मी टाइम मिल जाता है. लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं, अच्छे तो सबको लगते हैं, बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन वो इतनी फुल ऑफ एनर्जी पूरा दिन गुजरता है और कॉन्स्टेंटली अगर बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं और फिर कहीं जाना है आना है तो किस तरह का जो है कैफियत होती है, मुझे भी कॉल करके मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा. एक फेस्टिव सा माहौल है और हर घर में जो है मज़े हो रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं और लोग जो हैं वो ट्रैवल भी बड़ा करते हैं इसके दौरान, इसलिए टिकट्स की इतनी प्राइसेस महंगी हुई भी होती हैं. आपको मैं एक टिप देती हूँ, अगर आपको मेरी तरह ट्रैवल का शौक़ है तो आपने जितनी भी होटल बुकिंग्स करानी है या आपने जो भी टिकट्स ख़रीदने हैं, कोशिश करें कि आप 5th या 7th January के बाद करें. जो प्राइसेस होती हैं वो ऑलमोस्ट 30-50% हर चीज़ की ड्रॉप हो जाती हैं, क्योंकि ये विंटर वेकेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर्स, ये जो सारा कुछ होता है, सेल्स, ये हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है वो January 5th-7th तक होती है. और उसके बाद जो है, क्योंकि ये लोग अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं, वेकेशन ख़त्म हो जाती हैं, तो प्राइसेस जो है वो बहुत ड्रॉप हो जाती हैं. और ये मैं सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं जो कराची में या थोड़े ज़्यादा गर्म इलाकों से इस्लामाबाद आई हुई होती हैं और उसके बाद वो नथिया गली में, मरी में स्टे करना चाह रही होती है, तो यहाँ के होटल्स की प्राइसेस भी जो है इन दिनों में बहुत महंगी हुई हुई होती हैं, क्योंकि स्नोफॉल हुई हुई है मरी में, इतना खूबसूरत जो है वहाँ मौसम, किसी का जाने का दिल करता है. तो ये मैं आपको टिप एंड ट्रिक दे रही हूँ कि आपने किस तरह जो है ये करना है. पता नहीं बच्चों की छुट्टियाँ नहीं होंगी, छुट्टियों का एक मसला हो जाता है, तो वो लोग, मेरी तरह के लोग जिन्हें छुट्टियाँ नहीं मिलती, जिनको अपनी मर्ज़ी से जो है छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वो ट्रिप्स जो है वो January 5th के बाद प्लान किया करें, तो आपकी थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी. और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि ट्रैवल ऐसी जगहों पर करें जहाँ पर हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल देखने वाली ना हो. गया मतलब अगर आपने एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो महंगे से होटल में जाना है, रहना भी महंगे होटल में, खाना पीना भी उधर ही करना है या मॉल्स है. अगर आप स्टूडेंट हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं या एक कम बजट है, हर किसी का थोड़ा सा ही बजट होता है, बहुत लग्जरी ट्रैवल तो बहुत बाद में जाके होता है, तो आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर हर चीज़ ऑन फुट हो, कि हर जो हिस्टोरिकल जगह हो या कोई भी जो एक्सप्लोर करने वाली जगह होती है, खाना पीना, स्ट्रीट फूड उनका अच्छा हो तो वो बहुत अच्छा होता है. और अगर हम किसी ऐसी कंट्री चले जाएँ जहाँ सब कुछ हलाल हो, फिर आपके और भी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, क्योंकि फिर आप कहीं से भी खा सकते हैं, आप किसी रेडी से भी खाना खा सकते हैं, फूड स्टॉल से भी खा सकते हैं और आप भी खा सकते हैं. लेकिन जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आपको जो है वो हमारे खाने वाली नहीं होती, जो हलाल नहीं होती, वहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता है और वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं. तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्रैवल की जो आपके अगर दिमाग में, तो अच्छा प्लान कर सकते हैं. अच्छा जी, गेस्ट में आज के अनाउंस करते हैं. चलो हमारे साथ होगी सना सानिया आप, जो कि करा रही हैं योगा फॉर फुल बॉडी. आज फुल बॉडी योगा होगा जो आपको जो है सारे फायदे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. हमारे साथ होंगे शेफ वसीम, जो कि बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन. और आज हमारे शो पे पर्ची आ रही है, आप बहुत सारे चैनल्स पर भी देख रहे होंगे, आप प्रमोशंस भी देख रहे होंगे, और वेडिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो बिल्लो हाय को कहा जा रहा है. तो आज कास्ट ऑफ टीम पर्ची जो है वो हमारे साथ होंगी यहाँ पे, इनसे कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे इस मूवी के बारे में. और एक जो मुझे इस मूवी की सबसे मज़े की बात लगती है, इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर जो है वो एक खातून का है और वो जो है वो थोड़ा सा डॉन टाइप कैरेक्टर है, तो वो क्या है ये भी हम उनसे पूछेंगे. और कुछ मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ भी जो है इनके साथ होंगी. अभी फिलहाल टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सारे. वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. अगर आप सोच रहे हैं मैं हमेशा फ्रेम से इतना दूर क्यों खड़ी होती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इनका योगा मैट नहीं खराब करना चाह रही होती. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम क्या करने जा रहे हैं? फुल बॉडी वर्कआउट.
फुल बॉडी, फुल बॉडी योगा, ठीक है जी। तो मतलब ये आपके जो है ना, मैं कहूंगी सुबह सुबह एनर्जेटिक करने के लिए, सुबह सुबह को एनर्जेटिक करने के लिए। तो हम स्टार्ट करें, मेरे टाइम लीजिए। चलिए जी, सबसे पहले वॉक कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। नौ से इनहेल करना, मुंह से एक्सहेल करना, और 30 सेकेंड के लिए होल्ड रखना खुद को। सेकेंड साइड, उसके बाद हम योगा पोजीशन में आते हैं। सबसे पहले चाइल्ड पोज करेंगे। थर्टी सेकेंड के लिए होल्ड रखना है। उसके बाद हम बैक क्रंच करेंगे। होल्ड रखना है खुद को 30 सेकंड के लिए। नो से इनहेल करना, नो से एक्सहेल करना। लेग्स को इसी तरह से स्प्रेड करके स्लोली डाउन होना और 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है खुद को। उसके बाद हम गेट पॉज करेंगे। सेकंड साइड, उसके बाद बैक बेंड, और इसे पोजीशन में वन लेग अप। सेकेंड साइड, एंड देन डाउन। उसके बाद हम हाफ स्प्लिट करेंगे। पहले से पहले खड़े होके बिल्कुल स्लोली स्लोली, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जितना इजीली स्ट्रेच करते हैं सिर्फ उतना ही करें, और अपनी एल्बोज इस तरह से नीचे लगा
और 30 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है खुद को। करेंगे थर्टी सेकेंड के लिए होल्ड रखना है खुद को। नोज से इनहेल करना, मुंह से एक्सहेल करना। बाद इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 15 लेफ्ट और 15 राइट। नाक से इनहेल करना, नाक से एक्सहेल करना इस पोजीशन। सेकंड साइड पोजीशन में रहते हुए होल्ड रखना है खुद को 30 सेकेंड के लिए। सेकेंड साइड होल्ड रखना है खुद को 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम मनमिट पॉज करेंगे इस पर बैठ के। होल्ड रखना खुद को 30 सेकेंड के लिए। और इसी लेग को इस तरह से होल्ड रखना 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर मरमिट पोजीशन। होल्ड रखते हैं 30 सेकेंड के लिए। एंड देन उसके बाद हम हाफ लोटस करेंगे और ये हमारी लास्ट पोजीशन होगी। होल्ड रखना खुद को 30 सेकेंड के लिए और जो जितनी देर के लिए इसको होल्ड रखें उतना ही फायदा है। और कोशिश करें कि 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इसको लेके जाएं। सेकेंड साइड
बस व्यूवर्स आज के लिए इतना ही, और ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन खाने के बाद नहीं करना, खाने से पहले करना है। और बस आज के लिए इतना ही, छोटी सी टाइम के ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। इस गाने में मैं पूछना चाहूँगी, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इट्स वेरी वेल शॉट एंड इट्स वेरी डिफरेंट, इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा डिफरेंट है। और आई हर्ड दैट द होल मूवी शॉट हियर इन इस्लामाबाद। आई थिंक मैंने किसी इंटरव्यू में ये सुना था कि हम सारे इस्लामाबाद से हैं, हमने इस्लामाबाद में ही शूट की है सारे। मेरे कुछ सीन सीजीआई हुए हैं एम्स्टर्डम से। आई वाज इन एम्स्टर्डम तो इन्होंने क्रू भेज दिया था। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट लोगों को तो आप वहां पर डील कर सकते हैं ना। इज एक्चुअली बोर्न एंड ब्रेड इन एम्स्टर्डम बट ब्रॉट इट बैक। नो, आई व्हाई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज़ जनरली मूवीज या ड्रामास की जब बात होती है सो यू जस्ट थिंक कराची, कराची में ही है, वहीं जाके करना है एवरीथिंग। सो हाउ डिड यू मैनेज इन इस्लामाबाद? अपेरेंटली इस्लामाबाद में कुछ नहीं है। करने को सब कुछ किया जा सकता है अगर आप थोड़ा हिम्मत करें और हाथ पैर लड़ाएं। और असफर का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो कहीं भी जो है ना काम चला लेता है। द बेस्ट थिंग अबाउट असफर इज एज अ डायरेक्टर ही कैन मेक एनी प्लेस लुक लाइक एनी अदर प्लेस। सो वी डिडंट हैव टू गो टू फार फ्रॉम होम, इट वाज अ लिटिल मोर कंफर्टेबल हियर। एंड आई थिंक एट दैट टाइम मौसम भी इतना गरम था दूसरे लोकेशंस पे कि अगर हम जाते तो फिर वो शूट। अच्छा, ये इस्लामाबादियों का जो है ना ये मसला है आई थिंक। सो ये जो मौसम से इफेक्ट होते हैं ना, यहाँ इसमें शूट नहीं हो रहा, उसमें नहीं हो रहा, आई थिंक दिस ओनली हैपेंस टू इस्लामाबादीज बिकॉज़ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। कराची में जाके एक शूट हो रहा है, पंखे बंद, दरवाजे बंद, सब कुछ बंद, यू फील लाइक यू गोइंग टू डाई। सो वो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे जी, वो आई थिंक इंसानियत का प्रॉब्लम है शायद। When you feel like you're about to die, तो वो इन पे जरा zoom करें। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? लोग इंसान नहीं, क्या इंसानियत का प्रॉब्लम है कि आप कमरे में बंद हो और आपको अगर सांस नहीं आ रहा तो that's a problem ना? It's not an Islamabad problem. It's a world. Everywhere. सब सबको ये issue होता है। अच्छा, so this song was shot in how many hours? In one go, right? So the crew was there for 36 hours. Because cast switch hui thi, beech mein gaane pura gaana aap dekhen to usme Swaan Mukhtar hi hain, unka chunk bhi tha, Hareem pure gaane mein thi, so she spent entire 36 hours. Hareem was there for 36 hours. Aur ek matlab ek spell aisa continuous hota hai ki 2 baje dopahar mein agar shoot start hui hai to wo agle din 11 baje pehla spell humne continuous. अच्छा, सो दे से कि हमारी जितनी भी फिल्में बन रही हैं उसके अंदर यूजुअली हम लोग ड्रामों के ही एक्टर के तो फिल्मों में डाल देते हैं, और एक्सेप्ट फॉर वन और टू फिल्म्स व्हेन यू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन इट्स जस्ट लाइक आप ड्रामा ही देख रहे हो बड़ी स्क्रीन पर, राइट? सो दिस मूवी हैज अ लॉट ऑफ थिएटर एक्टर्स, सो हाउ डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू चेंज द लुक ऑफ द फिल्म, और आर यू गोइंग टू सी मोर, यू नो? दिस इज रियली कूल अबाउट इमरान काज़मी, व्हाट ही डज इज कि वो जनान के अंदर भी, सिया के अंदर भी इंट्रोड्यूसेस न्यू फेसेस, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक फिल्म के अंदर अगर आप वही पुराने चेहरे लाते रहेंगे और सेम कास्ट लाते रहेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी इस तरह। तो ही एक्चुअली सही है, वो डब स्मैश पे जाते हैं, मैंने देखा उस बंदे को। अच्छा। जब वो कास्टिंग कर रहे होते हैं तो ही गोस टू डब स्मैश, वहां पर देख रहे होते हैं लड़कों की लड़कियों की वीडियो के। डब स्मैश अकाउंट मेरा एक साल पहले होता था, आई थिंक आई शुड रीन। हां बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो वो देखते हैं, और मतलब ये जरूरी है कि मतलब और क्या ये है कि वंस यू हैव डन थिएटर तो आपके लिए आप जितने भी लोग सामने खड़े हो ना, आप कैसे से कैमरा रोल होगा, आपको डर नहीं लगता, वो खौफ ही निकल जाता है आपके अंदर से। तो थिएटर वाले के लिए थोड़ा आसान होता है, बट थिएटर वाले तो जनरली थोड़े लाउड नहीं होते विद एक्सप्रेशन एंड वॉइस एंड एवरीथिंग, डोंट यू हैव टू टोन इट डाउन फॉर द कैमरा? ये है कि ये जो हमारी इस समय फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो चुकी थी जब रिवाइवल से पहले हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो की थी, तो एक्टर्स ने जाहिर है कहीं तो काम करना है, तो वो जब टेलीविजन पे चले गए तो उनको बस एक हमने तो स्टीरियोटाइप कर दिया कि बस वो ड्रामा एक्टर्स हैं, ऐसा क्या नहीं सकते हम लोग, वो एक्टर्स फिल्म में भी आ सकते हैं, वो एक्टर्स यू नो शॉर्ट फिल्म्स में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं। सो ये जो लोग कह देते हैं कि ये ड्रामा एक्टर्स फिल्म में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में मैं उस पर नहीं कहूँगी, बट लाइक आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि एक थी वो एक ही एक्टर हुमायूं सईद इन बिन रोए,
That was the name of the movie, right? And then in Jawani Phir Nahi Aani. But ek mein wo film ke actor lag rahe the, ek mein wo drama hi lag raha tha. Even though both have been played on big screen. So that's what I'm talking about. You know, I appreciate it and all. Bilkul. I think it's about the approach. Aap kis tarah film ko approach karte hain, wo differentiate kar sakte hain aap dono. I think treatment ki baat, acting ki baat hoti hai. Sahi keh rahe hai ke we usually do is we box up all the drama actors and we say ke chalo drama actors itna humne dekh liya ab. Fresh, I think cinema is all the people want to see fresh faces. उसमें गलती लोग ये करते हैं कि फ्रेश फेसेस दिखाने के लिए ना वो फिर नॉन एक्टर्स पकड़ लेते हैं because they don't want to repeat drama actors या drama actors are too expensive वो you know तो उसमें फिर एक्टिंग आपको फिर फिल्म पे नजर आती है जब ब्लैक करती है आयर की फिल्म्स की बात और इमरान की और हरीम की बात स्पेशली ये अच्छी है कि हमेशा एक्टर्स उठाते हैं थिएटर एक्टर्स हो एक्सपीरियंस ना हो फिल्म पे मगर एटलीस्ट थिएटर का एक्सपीरियंस सो दे नो हाउ टू एक्ट यू नो आई मीन उनको टोन डाउन करना आसान होता है मगर किसी बंदे को टोन डाउन से टोन अप करना बहुत मुश्किल चीज होती है तो आई थिंक वो है कि लाउडनेस कम करना इज इजी इफ द डायरेक्टर इज गुड rather than instilling acting skills to people who've never acted before so I think this is something that's great that they give actors in the profession the chance to actually show their talent to a wider audience and this is something that we've never we as Islamabad actors you know who've been here who've actually done theater here you know we didn't have these opportunities in our time when we were doing it because we needed we still have very few opportunities I mean except for Perchi और तो कोई भी फिल्म नहीं है जो पूरी इस्लामाबाद में शूट हुई भी हो या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो यू नो द फर्स्ट थिंग दैट कमेंडर्स आपको कराची आना पड़ेगा या यहां से पहले वहां से पहले यहां पे आते भी हैं तो सारे मरी चले जाते हैं इस्लामाबाद में तो कोई भी नहीं शूट करता सीधे नथिया गली और मरी और एवरीथिंग नहीं अब आ रहे हैं अब प्रोडक्शन हाउसेस ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया उन्होंने देखा है कि इस्लामाबाद में और इसी वजह से क्योंकि हमने इतना टैलेंट दिखा दिया है इस्लामाबाद ने इसी वजह से प्रोडक्शन हाउसेस फ्रॉम कराची इधर रुख कर रहे हैं दे कमिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद टू लाइक गेट टैलेंट टू ऑडिशन पीपल फ्रॉम हियर अफसोस ये है कि यहाँ थिएटर कम हो गया है और थिएटर कम जो हो गया ना उसकी वजह से लोग जो थिएटर में यूजली इन्वॉल्व होते थे वो इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है तो जो इस नया जो अब जो जनरेशन जा रहा है एस्पायरिंग एक्टर जो कुछ करना चाहते हैं उनको एक कोई आउटलेट ही नहीं मिल रहा अपना प्रैक्टिस करने का यू नो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्टर्स परफॉर्मर्स डायरेक्टर्स एवरीबॉडी या थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा तो आपका टेलीविजन और फिल्म बेहतर होगा आपके प्रॉब्लम है यहाँ पे उसको लोस समझते हैं कि यार ये तो थिएटर देयर सो मेनी थिंग्स दैट शुड बी ऑन द टॉप पर आप देखें ना मॉर्निंग शोज कौन से हिट है राइट यू नो आई वोंट गेट इनटू दैट कौन से हिट है मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया वाला हम दिखाते हैं इसलिए लोग देख रहे होते हैं या लोग देखना ही यही चाहते हैं इसलिए अच्छी चीजों की जो है ना वो थोड़ी सी डिमांड कम होती जा रही है इसलिए हम जो है ना जरा उस डिबेट में नहीं जाएंगे बहुत जज्बाती हो जाती है मैं बहुत एक्सपेरिमेंट देखिए मैं इतना एक्सपेरिमेंट करती हूँ मेरी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाती है ना सो फिर यू नो यू हैव टू डू व्हाट द ऑडियंस वांट्स फॉर सम टाइम अच्छा मूविंग ऑन to a very important part of this movie that is a woman is leading men right ye bahut different hai isko hazm karna bhi bada mushkil hota hai kuch logon ke liye to pehle to mere paas sare hi mard hazrat yahan baithe hain to aap logon ne is baat ko kaise hazm kiya when you read the script did you have like problem ye hai ki wo baat humne फिल्म खत्म होने के बाद प्रमोशंस के टाइम पे ये क्वेश्चन रेज होते हैं इसमें हमें उससे पहले तो कभी ये बात ख्याल ही नहीं हुआ आई कभी हमने ना क्वेश्चन किया बट इफ दैट्स अ क्वेश्चन इफ आई एम आस्क इफ यू नो दैट समथिंग जो पॉइंटर्स के अंदर एक बात लिखी हुई है कि यू नो खातून लीड कर रही है यू नो सो इट इज समथिंग दैट्स डिफरेंट सो इट इज डिफरेंट एब्सोल्युटली पाकिस्तान के लिए बट हमारे ड्रामे सारे आर लेड बाय वुमेन आर दे ऑफ कोर्स Right? All dramas are women centric. No, this is very different. This is like aapke paas ek Dawn Numa Khatun. You're talking about the role itself. Yeah, you're talking about the role. Basically, you know, it's a very no. It's the role. Yeah, the script. And no, I mean, you know, this is exactly the point that we have. I mean, now that you're pointing it out, we have a lot of female leads who lead dramas and films, but we don't have roles designed
to empower them. Yes. Right? Yes. So this is now, and this is where I think we have, or we are one of the first to do, that we're showing an empowered female character who doesn't depend on any male character to survive in a certain ये अच्छी बात है इस फिल्म की कि हम इस तरह का एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट दिखा रहे हैं यू नो हमने कभी कोई मसला नहीं था बल्कि काफी एक्साइटेड थे उसके कैरेक्टर इतना ऑफ So not even one person, like, am I to believe, not even one person said ki, you know, why should we? You know, ye nahi, ye hazm nahi hoga, commercially viable nahi hai, ya kuch aisa nahi hoga. Hum log jab bhi ek saath hote hain, hum kyunki sab ke sab theater se hain, aur sab ke sab jo hain, hum logon ne ek saath kaam kiya. Hum hamesha kuch aisa karte hain jo हमेशा हमारी कोशिश होती है कि नहीं यार ये कॉमन है ये कॉमन है हम हटके हमने हटके की और हम वुमेन एम्पावरमेंट को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ ये तो ऑनेस्टली यस ऑनेस्टली हमें कभी फील ही नहीं हुआ मतलब अभी आपने जब रेस किया और उससे पहले एक सडनली मोर वेलकम ऑन हम लोगों ने पूछा शुरू किया क्या होगा हरी मामा की कसम खाने वाला था बट वल्ला बोल देता हूँ मैं नहीं बाकी मतलब इससे पहले जब जब ये जो सारे रिव्यूअर्स और ये ब्लॉगर्स वगैरह पूछना शुरू हुए ऐसी अजीब सी बात Why not? हाँ नहीं this is a question ना मतलब you can't just turn your head around and be like नहीं ये वाली तो मसला है ही नहीं society में है so what do you think how will the audience receive this how have they received it so far Well, the response is obvious. हर जगह हमें बहुत ज़्यादा praises मिल रही हैं ईमान के character के लिए भी वो तो आपने भी पॉइंट आउट जितना किया है बट एवरी वन एल्स लाइक सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रिस्पॉन्स ले रही हैं और जिधर भी हम जा रहे हैं हमें यही फीडबैक मिला है जितना ट्रेलर में ऑब्वियसली हमने प्लॉट फील किया हुआ है उस पर उन्होंने अपनी जो स्टोरी बिल्ड की है अपने दिमाग में वो एक तरफ बट मूवी जब देखने जाएंगे तो इंशाल्लाह दे विल बी मोर सरप्राइजेस काम किया है इसने क्योंकि It's unusual to see such a character, na? तो ज़्यादा focus उसी पे रहा है कि मतलब कि ठीक है film अच्छी है trailer अच्छा मगर ये जो female character है जो lead है जो मर्दों को lead कर रही है ये बड़ा एक unique point है This could be a stepping stone for a lot of other people, I think so. You know, एक नया change चाहिए हमें रोने धोने वाली खातून से ना थोड़ा सा हट के We need हर किस्म की film चाहिए हर एक genre में बननी चाहिए और हर एक society को एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को टैकल करनी चाहिए तो ये आई थिंक इज जस्ट अ स्टार्ट इंशाल्लाह इसको देख के और फिल्में बोल्ड होंगी या आई थिंक दे विल दे हैव द करेज टू लाइक कम आउट एंड मेक इनोवेटिव स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग ऐसा कमेंट आया नहीं कि ऐसा क्यों है मतलब जो भी ये चेंज देख रहा है वो चेंज से अच्छा लग रहा है गुड गुड अच्छा बिहाइंड द सीन्स अगर चले जाए सो हु शुड आई आस्क कौन सेट पे सबसे ज्यादा लेट आता है या हु इज द मोस्ट अननोइंग लेट तो कोई नहीं आता था अनोइंग तो कोई नहीं था सबको मौका देते हैं ना सब ज़फ़र व्हाई डोंट यू ज़फ़र आप बताएं कौन कौन जो था तो ज़फ़र आप ये सवाल मत से जी 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 बताइए जी बताइए अनोइंग देखें जब किसी एक का सीन होता था ना तो कोई अनोइंग नहीं लेकिन जब ये चार लड़के इकट्ठे होते थे ओह माय गॉड आई कैन अली रहमान अहमद अली अकबर उस्मान मुख्तार और शफकत खान अच्छा बस फिर तो सेट पे एक अलग फिल्म चल रही होती थी लेकिन और इनकी अटेंशन हेलो गाइस शूट कर लें शूट कर हेलो हेलो और हेलो असर ओके मतलब इवन स्टैंड बाय पे भी स्टैंड बाय और एक्शन के बीच में आई थिंक मेरे ख्याल में 2 सेकंड इनका गैप स्टैंड बाय और यहां फंस रहे हो अबे कैमरा रोलिंग तो कैमरा रोलिंग उसके बाद हम एक्शन तो कितने कॉमेडी इंप्रोव है बीच में वुड यू से काफी लेकिन हम लोगों ने बहुत डिटेल रिहर्सल्स की थी हमने काफी दिन बैठ के व्हाट रिहर्सल्स फॉर सीन्स दैट्स वी डिड हम लोग प्रोबब्ली वाहिद टीम है जो रीडिंग सेशंस करते हैं दैट शुड हैपन अ लॉट व्हाट इज हैपेंड कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइम वो जब तक आप परफेक्ट नहीं करेंगे वो चीज अली यू पीपल हैव वर्कड लाइक यू नो इन ड्रामास एज वेल सो मुझे बताएं ना कितनी दफा आपको बुलाया रहे कि कोई एक्टर ये सुनेगा ही नहीं अगर आपने ना पहले रिहर्सल किया आज लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने ड्रामा पहला किया अपना सबसे पहला वाला तो मैंने सबसे पहला सवाल ही पूछा था कि रिहर्सल के लिए मैं कब आऊं वो परप्लेक्स हो गए थे नहीं जी आप बस उसी दिन आ जाएं हम सेट पे रिहर्स कर लेंगे तो मेरा सब मेरे का सेट पे रिहर्स मतलब कि ये कैसे होता है तो मैं इतना कंफ्यूज था कि ये कैसे हो कि हम तो थिएटर के लोग हैं हम तो रिहर्स करने की आदत है और सीन जब तक रिहर्स आप ना करें जब तक आप ब्लॉकिंग वगैरह इस तरह की ना सेट करें तो सही नहीं होता ना
तो वो फिर एकदम से जब उधर गए देन बाय डूइंग एंड लर्निंग यू रियलाइज कि चलो इधर तो कोई सीन नहीं है रिहर्सल का बट हमने क्योंकि हम लोगों का सारा बैकग्राउंड थिएटर का है हम लोगों को पता है कितनी इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए और कितनी इम्पोर्टेंस है रिहर्सल इसीलिए हमने एक पूरा महीना ब्लॉक ऑफ महीना तो हमने नहीं किया मैं खुद बड़ा लेट आया था बाहर था तीन हफ्ते एटलीस्ट ब्लॉकिंग करके रिहर्स करके एक्शंस देखना क्योंकि सेट पे इतना टाइम नहीं होता कि असफर सबको डायरेक्ट करे तो वो रिहर्सल स्पेस है जहाँ असफर एक्चुअली कैन डायरेक्ट एवरीवन से कि मुझे ये चाहिए डायरेक्टर के लिए बड़ा अच्छा है और एक्टर्स के लिए अच्छा है समझने क्योंकि वो उधर ही आपकी डायरेक्टर के साथ ना बट दे वर इंप्रोव्स ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली हां जब सेट पे आते हैं तो वहां एक अलग ही एक एनवायरनमेंट बन जाता है जाहिर है किशन का काफी मजेदार ऊपर से ये सारे इतने क्रिएटिव Yeah, I asked that because you're telling me इनका आपस में भी इतनी अच्छी chemistry थी and you know so that must have trickled into the script. Mostly जब ये जो मस्तियाँ चल रही होती थी इनकी standby के बाद वो actually idea आ रहा होता था कोई इनको कि ओ कोई ये चीज ना करने आसपास ये कर लें तो अगर वो चीज click करती थी तो क्या होता okay let's do that. लेकिन we totally appreciate कि असफर ने बहुत बर्दाश्त किया. अच्छा. मतलब he's very cool. He's very cool. बर्दाश्त is the word you would use. Yeah yeah yeah. He's a very cool बड़ा cool director है जब तक वो tipping point पर तक नहीं पहुंचता हाँ वहाँ से फिर बस अगर ये कि किसने पहुंचाया ये भी असल में director के लिए अच्छा है क्योंकि actor बहुत अच्छा है और ये अगर आपको समझाना चाहे ना कुछ तो ये acting करके आपको समझाता है कि मुझे ये चाहिए अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं ये करना है तो आप कहते हैं ओह हम आपको इतने अच्छे गाने दिखा रहे हैं थोड़ा सा कोरियोग्राफर के बारे में बात हो जाए I was expecting him to be here because he from Islamabad, right? He is here. But he's the he's a big star. He's a big star. He's the biggest. He doesn't ऐसे नहीं चाहते भी शो पे. वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया था. I met him then. Oh, he did. Yeah, yeah, he was here. आते हैं मेरे शो पे सब अच्छा. अच्छा अच्छा. और सब डांस करते हैं. नहीं actually he's not here. सब आते हैं और सब डांस करते हैं. इधर? Actually, Obi's not here. I guess. अच्छा he's not here. Islamabad. He's in Karachi. Obi is in Karachi. So how long did the choreography take? कितनी सबकी इसके अंदर input है? Did he? He's the sole proprietor of this choreography. Stuff it's all Obi's vision he directed it and he came up with the whole steps and the whole sequence is his acha and he we rehearsed for I didn't as usual rehearse for that long but you guys were rehearsing for you didn't rehearse for that long because you already that good no I was not here so I joined later two and a half weeks I think these guys is and I did a week I think. Yeah that's nice acha ji so I have some activities for you pehli ye hai so you have a pass the pillow sort of a parchi see so that's there that's the pillow and we'll play the music oh bachpan mein khel rahe the no right very red and very fluffy isme bahut hai kas kas ke main to I would hit the other person pillow say you know that's what I would do I'm not part of the game main to pakadta main hu nahi is game ye kya maza hai ye kya you're the host you should be itna lamba pass denge I will be of the next kithe khelenge hum itne dur se kaise pass karenge itna lamba pass denge wo peeche ka set toot jayega nahi aap ek set baki toot jayega to apna pyara dekhiye mujhe pata hai acche mohzib log yahan par aaye hain jinne game pehle kheli bhi hai so they know wo toot na jaye wale bahut tareef ki aapne zara start kijiye gana तेज वाला गाना ये चाहता है अरे रोकना मत भाई Yeah, I think so. इधर था. Let's vote. Who do you think? Was it? Vote कौन? You look challenged. मोजेस बहुत अच्छा आदमी है हाँ, और वो क्या हकलाते हुए पर्ची का कोई गाना सुनाएगा ओह अरे नाइस बजिया तू तो बजिया ठीक है कहाँ बैठ हाँ बैठ के सामने आके डांस करके इतना स्टेज योर्स यहां से कहते हैं बाहर जाके चलो ठीक है तेरे नाल में
कर द लाइफ इमेजिन तेरे नाल मैं कर द लाइफ इमेजिन बन जा मेरी वाइफ इमेजिन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम गाने मचाएंगे तू कहाँ कर दे एक बारी तू हाँ कर दे एक बारी जग घुमाएंगे इमेजिन इमेजिन I wanted to be very supportive, लेकिन मैं tempo भी नहीं पकड़ सक रही थी ना ऐसे कहाँ से support लेके it wasn't real क्या ठीक है देखिए audience की कमी आप लोगों ने पूरी कर दी ठीक है please please film बहुत अच्छी है ये गाना बहुत अच्छा है तो मेरे गाने पे please मत जाइएगा मैं तो यही promo में चलाऊंगी अब आगे you have to pass the oh imagine Ali. Oh, Zafar Zafari. What a Zafar, yes, Zafar Zafari. Clear as day. Koi funny joke sunaye aur koi se do participants lazmi husne sunaye. So you have to make two people laugh at least. It would dad jokes type. Yeah, yeah. Chale. Straight face. Humne hansna nahi hai, theek hai? So to try really hard. Well, I will never laugh. Never. Because I don't like laughing. Actor log hain to kabhi bhi nahi hasenge aur ye to nahi hasenge. Main to nahi hu. Main to chahta hu ki main na hasu. Chalo aisa ho I'll try if it will be a good joke main has jaunga. Mujhe hasana bahut aasan hai. So you don't have to make a joke, you could do any story. Aap dhamki deke bhi haswa sakte hain. You could just tell them. Main light hearted banda hu. Mujhe hasana itna aasan kaam hai. Asfar आप वियर्ड फेस बनाओ पर यूट्यूब पे वीडियो आएगी ना जफर सफारी वियर्ड फेस मरने से पहले एक दफा जरूर देखें एक वोट तुम्हारे साथ चलो हंसाना मकसद है बस जोक अगर हां जोक हो धमकी हो जो मर्जी जो भी है वी आर विद यू वी आर विद यू तो यार तुम लोगों को किस तरह हंसाऊंगा ओह थैंक यू सो मच आई डोंट लाइक दिस ब्रदरहुड ये ब्रो कोड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया चलिए चलना Ali cheating कर रहा है. Ali cheating. You're not supposed to hit it off. You're supposed to hold it. ये देखिए. आपके हाथ में इस तरह गई और आप दस निकाल दिए. शाबाश. ये. जो मैंने ज़्यादा फूल की नहीं है वो वाली उठाओ ना. वो ज़्यादा interesting है. Oh my. मेरे के. मेरे के नहीं मेरा के. मेरे के. मेरे के accent में. मेरे के accent में अपनी movie की promotion करके दिखाएं. I think it's very interesting. Easy. I know. चले ये मुझे दे दीजिए. किस कैप इधर बोले? Excuse me. हमारी फिल्म पर coming too soon. Too soon. center में on 5 जनवरी 2018 आ रही है और आप जरूर देखिएगा बहुत आपको मजा आएगा मीरा जी व्हाट अ मीरा I know. What I'm taking away from this is the sin theater. Sin theater, man. Cinema theater. रोक देंगे तुम पे मेरे लगा हाँ नहीं अभी सबको देंगे देखा ओह इसका मतलब आया मतलब यह है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आएगी और ये दूसरी बार और जो अब आ रहा है तुम्हारे पास दैट इज वेरी डेंजरस आपकी बार वो चीज नहीं आएगी अब कुछ और आपके बाद कंफर्टेबल था कि मेरे पे तो आ ही नहीं सकता आ ही नहीं सकता तो ये तो कंट्रोल है हम इससे ज्यादा इनोवेटिव है अपना अजमाया हुआ आजमाया ओ ये तो कितना अच्छा है अजमाया हुआ टोटका बताएं टोटका बताएं टोटका बताएं हां क्या मतलब टोटका ये वाला ये जो तुम एनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या बेसिकली जो कहते हैं ना एनेक्डोट्स होते हैं एनेक्डोट्स हमने इस्तेमाल किए ना घर में अपनी इलाज के लिए या खाने पीने में कोई टोटका लाइफ हैक्स नहीं होते लाइफ हैक्स है
खाने पीने पे मेरे ख्याल में ज्यादा शायद मैं खाने के बारे में बता दो या इंडाइजेशन या वो क्या होते हैं इंडाइजेशन क्या करते हैं टटारियां ना टटारियों की बात कर रहे हैं बिरयानी की बात कर रहे हैं चावलों की टटारियां तो वो होती है यार मुझे पिछले में बता रही थी देयर एक्चुअली गैजेट्स ना वो नहीं गैजेट्स नहीं है टोटका जैसे कि कुछ भी स्किन लाइट है हां हाई फैट है हां मैं तो ये चीज सही हो जाती है गोरे होने का टोटका पतले होने का गोरे होने का तो क्लियरली कुछ नहीं चला अब तक तो आपने आजमाया हुआ टोटका बोला चल भी गया नहीं 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 हां अपना यू कैन मेक समथिंग अप पर्सनालिटी लोगों को हंसाने का ब्लेंड इन करने का बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या कहते हैं अपनी आवाज में भारी आवाज में नहीं नहीं अपनी मेरी मेरी आवाज तो ऐसी है यही भारी आवाज में टोटका मुझे बड़ा मसला हुआ करता था मेरी लाइफ बहुत मिजरेबल सी थी मैं फेमस भी नहीं था मैं एक्टर नहीं था और फिर आई मेट अहमद अली अकबर और ये मेरी लाइफ का टोटका है एंड व्हेन आई मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई मैं मशहूर हो गया ऑल ऑफ अ सडन ये आजमूदा मेरी मां मुझसे प्यार करने लग गई मेरे वालिद साहब मुझसे प्यार करने लग गए मुझसे सब लोग प्यार करने लग गए तो मेरी लाइफ का रोड गया था प्लीज एक बार हाथ मिला ले तो आपकी गुड लक वॉकिंग आउट ऑफ हियर हे जी गुड ये वाकई बहुत अच्छा टोटका है क्योंकि पहली दफा इन्होंने अपने वालिद साहब को आज मेरे सामने मेंशन किया हमेशा मां होती हैं मामा होती है मेरी स्वीट चैलेंज गलत है सही करके बताइए किसने लिखा है भाई ये गलत ऊंट की नीचे पूंछ ऊंट की ये उल्टा है मैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो कोई भी कह सकता है ये भी कोई भी कह सकता है लेकिन कोई भी ना मैं थोड़ी कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं मैं आपको मेरे को कुछ मजा नहीं आया मैं कॉर्पोरेट दे ये क्या बात है नहीं 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 मैं होस्ट हूं मैं होस्ट मैं हूं कच्चा पापड़ पापड़ चैलेंज ये जान दो कोई सी पांच सॉलिड रीजंस पठान एक्सेंट में दें कि आपकी मूवी लोग थिएटर में क्यों देखें बहुत ज्यादा लड़का है लड़की एक है वो देखो उसको क्यों हंस रहे हो तुम भी पठान हो उसकी आंखें देखो उसका बाल देखो ये तुम्हारा तीन रीजन हो गया और इसमें मैं हूँ तो मेरे को आके देखो इसमें गाना बहुत टाइट है बहुत अच्छा हरीम फारूक भी है हरीम फारूक भी है अच्छा वो भी है नॉट अ बिग डील नॉट अ बिग डील है जी इसकी आंखें पे ज़ूम करें इस पे अंडे वाला बर्गर उस्ताद अंडे वाला बर्गर भी है वो क्या ना बर्गर क्या होता है कितनी बड़ी ये जिसने ये पर्ची डाली थी ना उसकी पर्ची अब मैं निकाल बंगाली में इस्लामाबाद पिंडी में बना है बीच में सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में बना है क्लैपिंग हो जानी चाहिए गुड गुड वन चल अब हम ही रुक गए अब रुक गए उनका ओके ये आप कर सकते हैं गुंगे की एक्टिंग करके बताएं कि उसका मोबाइल गुम गया है नंबर मिलाने के लिए फोन चाहिए चैलेंज सबसे अच्छा ये हो सकता है ये हो सकता है चैलेंज जिसने चिट बनाई है चैलेंज चिट मैन कौन है ये जो चिट्स लिखी हैं और वुमन चिट वुमन ये सामने ओह यू आर नाइस अच्छा ओके अब आगे सामने आए ना यू हैव टू स्टैंड अप यू हैव टू कन्विंस एवरीबॉडी हियर ओके तुम हाथ
wallet. It breaks my heart. Hello, Bhaijan, हमें भी बता ना. Phone. नहीं 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 नहीं. Phone के पैसे नहीं है. दिया. Phone दिया. Phone दिया. He threw it away. Phone बेटी के पास है. What? Phone भाग रहा था. आप भाग रहे थे. Phone छीन गया. Phone. Phone. He wants it. फोन से कॉल करी आपने अच्छा आप बीवी को कॉल कर दिए फोन से नीड टू अंडरस्टैंड लुक एट दैट फेस मैं दे दूं फोन मेरे को ले जाएं आप टेक इट अहमद ठीक है कैसे मान गया ब्रो मतलब दुनिया में मत जा नहीं लेकिन आपका फोन का है Give it, phone दे उसको अभी. Look at that face. मैं लेके आपके phone को हुआ सारे phone दे देते हैं इनको ठीक है. Look look at that face. Look at that face. Look at that face. मैं तो मेरी आवाज मेरी खुशी से आवाज बात कैसे करते हैं आप बॉस अगर आप बैरे दे तो बैरे नहीं बैरे नहीं इधर आओ मुझसे हट कर I'm sorry मिलो I'm sorry से मिलो ये वो शख्स है नाज़रीन आप देख सकते हैं ये गूंगे की एक्टिंग हो रही है ऑस्कर ऑस्कर अमेजिंग ऑस्कर मेरे दोस्त की बिल्ली का नाम है मिमिक्री मिमिक्री पे आ जाते हैं मिमिक्री किसकी मिमिक्री जिसकी भी अरे माय फेवरेट अली रमा अरे मैं सेट पे आ गया हूं कॉफी 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 आई नहीं अच्छा हम पूछते हैं ना असफर वेट कर रहा है यार हां असफर वेट कर रहा है करता रहा यार तुम लोग जाओ मेरे भी बाल हैं एक घंटा लगेगा सेट रेडी है यार वो कॉफी आपको उधर ही दे देता है ना आप आज सीन क्या है हरीम आप हरीम आपका आज तीन सीन तीनों सीन्स में आप हरीम देखो तुम जिस तरह वो सीन कही थी वो गलत है मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह करो मुझे यार प्लीज जल्दी से आ जाए यार इधर में तो भाई ये क्या हुआ ना भाई ये क्या हुआ amazing I like this good चले मोजेस बिरयानी आ गई है उस पे जो आता बच गया तुम्हारा हमारी आखिरी पर्ची रह गई है फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं जल्दी से प्ले कीजिए म्यूजिक आखिरी पर्ची सुंदर के लिए सुंदर बंद करें गाने ऐसे नहीं इधर अल्लाह खैर करे अच्छी अच्छी पर्ची थैंक यू जी नहीं क्या हरीम गुस्से में कैसे रिएक्ट करती हैं एक्टिंग करके दिखाया ये मैं कैसे हाउ वुड आई नो थोड़ी सी हिंट तो मैंने आपको दे दी थी अभी ट्रेलर आपने ट्रेलर देखे हम इसको मॉडिफाई करते हैं ट्रेलर में जितनी हरीम नजर आ रही है वो एक्टर आपको पता है आप सबको वैसे पता है सुंदर भी एक एक्ट्रेस है अरे स्टॉप इट ओके शी हैज डन मल्टीपल ड्रामास तो इनको तो मुश्किल मैंने एक ही ड्रामा किया और अली के साथ बिल्कुल ठीक है जिसके अंदर ये सख्त जालिम हस्बैंड थे उठा उठा के मुझे क्वेश्चंस मारते थे ठीक है और जैसे होता था उसके बाद मैं इन्हें क्वेश्चंस मारती थी बदले लेने के लिए जैसे लाइक नहीं यू नॉट अ डांसर पर हरीम के गुस्से क्या है मैंने छोटी सी ब्रेक का टाइम है ब्रेक में जाओ Welcome back to my healthy morning. हमें join किया chef Fasim ने. Assalam alaikum. Waalaikum assalam. कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक. ठीक ठाक. क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं crispy fried chicken. अच्छा crispy fried chicken. अच्छा मैं chicken देख रही थी. तो वैसे crispy fried chicken जो होता है बहुत पतला पतला नहीं हम लोग काट के नहीं नहीं क्रिस्पी क्रिस्पी के जो है ना बड़े पीसीस ही होते हैं अच्छा इसमें जो इस तरह कटिंग वगैरह कर लेते हैं इस तरह की ठीक है जी वगैरह लगा दे ताकि उसके अंदर फुल कुकिंग हो जाए अगर हम इसको वैसे ही फ्राई करेंगे तो उसमें बीच में कच्चा निकल आता है इसको करना होता है दो तरीके में ठीक है एक इसको बटर बना के फिर इसको क्रम्स करके एक दफ़ा हाफ डन करते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं फिर इसको दो मिनट छोड़ते हैं स्ट्रेनर में क्योंकि उसकी वजह से इसका पानी जो होता है ना वो निकलता है सही ठीक है उसमें जूस हाँ तो उसके बाद उसको फिर दोबारा फुल डन करते हैं ठीक है तकरीबन हार्डली
चार या पाँच मिनट। मुझे लगता है जो वैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे हमें फ्राइड चिकन मिलते हैं वो तो ऑलरेडी थोड़ा सा हाफ डन हुआ हुआ होता है, ब्लांच हुआ हुआ होता है, उसके बाद उसको कोटिंग करके फ्राई कर देते हैं। ब्लांच भी कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। डायरेक्ट पकाने का मतलब है इसका जूस जो है इसका इसके अंदर ही रहता है। अच्छा, अगर आप इसको बॉयल कर लेंगे तो फिर इसकी यखनी जो सी होती है ना वो निकल जाती है, फिर सिर्फ इज ए मीट। ठीक है, ठीक है, सही। तो हम इंग्रेडिएंट्स बता दें पहले। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं इसके। इसमें हम यूज़ करेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, चिली सॉस, ठीक है, एग, ब्लैक पेपर, लेमन जूस, गार्लिक, ठीक है, वाइट फ्लावर, क्रम्स और चिकन और ऑयल। ठीक है, जबरदस्त। पहले इसकी मैरिनेशन बनाएंगे। मैरिनेशन बनाते हैं। ठीक है जी, मैरिनेशन में क्या कुछ यूज़ करेंगे? मैरिनेशन में हम इसका वाइट फ्लावर यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा क्रिस्पी होगा वाइट फ्लावर। ये इसमें असल में ग्लू बनाते हैं ताकि वो चिपके, चिपक जाए। ठीक है, सो ये आपकी बेसिक ग्लू है जिससे वो उसके ऊपर जो है सारा मवाद चिपका रहेगा जी। फिर हम इसमें अंडे डालेंगे, बीट करेंगे। अंडे डालेंगे फिर सारी। अच्छा, अंडा आप पहले बीट करके डालें तो बेहतर होता है या बीच में डाल के? आप बीच में भी डाल सकते हैं, पहले भी बीट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मिक्स ही करना है ना। सही, तो वो आप चाहे कर लें या बाद में कर लें। ठीक है, और ये अब हमने क्या डाला बीच में? इसमें मस्टर्ड पाउडर, ठीक है, रेड चिली पाउडर। बेसिकली रेड चिली पाउडर डलता नहीं है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारा जो है ना, हम लोग ज़्यादातर मोस्टली स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, ठीक हो गया। साथ में हमने इसमें क्रश्ड गार्लिक डाल दी। वैसे तो इसमें पेस्ट बना के भी आप डाल सकते हैं। ये भी जो हम दो चीजें डाल रहे हैं ना, इससे इसके अंदर जितनी भी वो स्मेल वगैरह होती है वो सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, मिसाल से आपको ये बता दूं, स्पेशली जो आज मैंने ज्वेलरी पहनी है, दिस इज बाय रीम अब्बासी, शी हैज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी। और अगर आपने जाना है फेट में इनका आउटलेट है, हम साथ में जो है शो के एंड में वील गिव यू द एड्रेस एज वेल और इनका फेसबुक पेज भी, ताकि आप वहाँ पर जाके इनकी सारी कलेक्शन जो है वो देख सकें। शी हैज़ रियली नाइस ज्वेलरी और आपको रिसेंट शोज में जो है वो अब नज़र भी आएगी। मैं सब एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। फूलों की कलियां, सुबह की हवा, मेरी प्यारी खुश रहो सदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? इतनी प्यारी सी आपने जो है बात की और इतने जोश से, दिल पे जाके लगी। ठीक है, आपकी कैसी है? थोड़ी सी आवाज इनकी ऊंची कर दे, बहुत ऊंची थी, बिल्कुल खत्म हो गई। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ठीक। आपसे मैंने बात करने के लिए इतने जतन किए हैं ना कि सोच भी नहीं सकती आप। जितने आपने मुझसे बात करने के लिए जतन किए हैं जी, आप शारजा चली गई थी तो पता नहीं हमारा वीकेंड कैसे गुजरा था। पता नहीं हम पे क्या बीती थी, हम रोज आपके रिपीट शो देखते थे। आई सो स्वीट, यू आर सो क्यूट। का प्यार है ना जो मुझे बार बार खींच लाता है। मैं वापस आती हूँ, मैं वापस आके आप लोगों से बातें करती हूँ यहाँ पे। मुझे भी बड़े याद आते हैं आप जब मैं चली जाती हूँ तो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं जो हमारा शो जो है आपको इतना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कुछ हमसे सवाल करना चाहेंगे? प्यारी लग रही है। थैंक यू। इतनी तारीफ ना करो, बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, शर्म आ जाती है। प्लीज शर्माते हुए और भी अच्छी लगती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज आपके फिल्म की कॉल चाहिए हमारे लिए, बहुत ही बेस्ट विशेष है। थैंक यू, उनकी तरफ से मैं थैंक यू कह देती हूँ। अभी बननी चाहिए, जब मुझे पता चला कि पर्ची फिल्म की कॉल मेरी आपने बताया। मेरी जान, आपकी बहुत आवाज़ कट रही है। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब मुझे कॉल करते तो, मुझे पता है आजकल लैंडलाइन से कॉल करना थोड़ा आउटडेटेड हो गया, लेकिन हमें लैंडलाइन से कॉल किया करें ताकि आपकी आवाज़ मैं पूरी सुन सकूं, आपकी प्यारी बातें जो है मैं पूरी सुन सकूं। बीच में आवाज़ कटे ना, आप इतनी प्यारी प्यारी तारीफ कर रहे होते हैं, फिर मेरा दिल करता है ना सब कुछ मुझे सुनाई दे। सो आपने प्लीज़ मुझे लैंडलाइन से कॉल करनी है। थैंक यू सो मच, की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, और मेरी इतनी सारी आपने तारीफ की उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मैरिनेशन कर लिया, सारी फुल मैरिनेशन कर ली है इसकी। आप लोग किचन में आ सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो। नहीं, छुप के नहीं आ सकते। अच्छा, मतलब आप लोगों को सबको जो है ना ये देखेंगे पूरी कास्ट। तो आज हमारा जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन बन रहा है,
इनको मुझे लगता है मैं सबसे इधर कर देना चाहिए. व्हाट डू यू से? नहीं नहीं, आई एम गुड, आई एम यू गुड, यू गुड. अच्छा, हु कुक्स? नहीं नहीं, प्लीज देखें, मैं कहने लगी थी चोकिंग हैजर्ड्स, बट आई थिंक देयर मोर देन दैट. अच्छा जी, तो कौन कौन आप में से कुकिंग कर लेता है वैसे? कुकिंग में? अच्छा, व्हाट डू यू कुक? हाफ फ्राई अंडा. डोंट रीड माय क्वेश्चंस. मैं ऊपर ऊपर था. अच्छा, मैं ऊपर ऊपर था ना, मैं ऊपर ऊपर था. मेरे सीक्रेट सुना बता. आज तक जितने भी एग्जाम्स हमने दिए हैं उससे पहले हमने खूब पढ़ाई की है, तो अभी जो एग्जाम होने वाला है वो हमें दे देता कि हम देख लें. कभी भी नहीं, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा, हम तो ऐसी बात मानते ही नहीं. नेवर इन पाकिस्तान विल यू एवर नो के पेपर में क्या आ रहा है. मुझे अपनी याद आ गई. अच्छा, क्योंकि वो भी ऐसी, वे भी ऐसी होती है ना, भी है. अगर मेरी टीचर इतनी प्यारी होती मैं तो ग्रोस क्लास में जाता. कितनी बड़ी बात है ना. ऑल राइट, दैट्स वी वांट. गलत बोले मुझे. वो कह रहे कि टीचर में कहां पे आए ना. क्या मैं जाता हूं जी? कुछ नहीं सर. डू यू कुक? आप पका? बिल्कुल. बिरयानी? अच्छा, कढ़ाई? नहीं नहीं, कुक नहीं. बिरयानी तुम खाते हो? नहीं, पकाता भी मुझे इतनी पसंद है. मैंने पकाना. अच्छा, क्या लेते हो? जल्दी से बताएं क्या कुछ होता है उसमें. चावल होता है, गोश्त होता है, और वो पैकेट होता है. ये तो खाने वाले को भी पता है, इसके अलावा पकाने वाले को जो चीजें पता है. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप चिकन लेंगे. ठीक है, बाकी बता रहा हूँ ना, प्रॉमिस प्रॉमिस. आपने ब्राउन प्याज या तो हुई भी आपकी? अच्छा, या तो आप कर लें अपने सामने. ठीक है, मैं आपको बिल्कुल. मुझे यकीन आ रहा है थोड़ा. मैं थोड़ी जीरे वाली बिरयानी बनाता हूँ, तो उसके चावल के लिए भी ना पहले मैं क्या करता हूँ, चावलों को आप धो लें, धो के आप अलग से लाएं. ठीक है, फिर उसको आप एक थोड़े से तेल में और जीरे में उसको साथ सबको फ्राई कर दें. धुले हुए चावल, अभी दम बम कुछ नहीं लगा उन्हें, अभी उन्हें बॉईल भी नहीं किया. बॉईल सूखे चावल, सूखे चावल को आपने पहले फ्राई कर दिया जीरे में. बिल्कुल. फिर आप उनको लेके जाए दम वाले फेस पे. अच्छा, वो कमाल कोई. ये तो मैं ये शब्द ये तो मैंने आज घर जाके करना है. ठीक है, मतलब सूखे चावल जीरे में फ्राई. ठीक है, ये चावल सूखे नहीं, मतलब आपने धो दिए, धोने के बाद उनको फ्राई कर दिया. ठीक है, फिर दम वाले पार्ट की तरफ गए. ठीक है, सही. दम तो आसान है सबको, आप सबको पता होगा. ठीक है, सही. फिर दूसरा करते हैं, आप यहाँ पर आए मुर्गी की तरफ. अली आप भी आ जाए, हमें बिरयानी की रेसिपी बता रहे हैं, कोई बात नहीं जी. अच्छा, फिर तो चिकन का ये कि चिकन सबसे आपने जो प्याज है उसको ब्राउन कर दिया सही तरीके से, जो ऑलरेडी ब्राउन हुआ था या ये दोबारा? नहीं नहीं, आप कर ले, तो कर ले कोई ब्राउन प्याज है, बस यू नीड ब्राउन प्याज. ठीक है, ठीक है, सही. ठीक है, यू नीड ब्राउन प्याज. आपने ब्राउन प्याज ले ली. ठीक है, फिर उसके अंदर आपने अपना पैकेट डाल दिया. पैकेट के लिए मेरे घर पे नाम नहीं लेना. हाँ, नहीं नहीं, नाम नहीं लेना, ब्रांड का नाम नहीं ले रहा. ठीक है, मेरे घर पे असल में होता है कि अम्मा ने बना हुआ है, मेरी मामा जो है वो बड़े कमाल के ना. अली आप इधर आ जाए. ये आप ब्रेड क्रम के साथ चिकन बना रहे हैं? जी, ब्रेड क्रम्स. राइट राइट. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो अम्मी का मसाला. ओह वाओ. अच्छा, ठीक है. अरे प्लीज, अरे प्लीज. अच्छा, ठीक, सही. फिर मेरी मामा ने मसाले बनाए हुए होते हैं. ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप उन मसालों को मुर्गी के साथ फ्राई करते हैं. ठीक है, सही है. उसको बनाते बनाते बहुत भूनते हैं, भूनना जो होता है, भूनते 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 भूनते. शेफ वसीम ये सही बता रहे हैं अभी तक? अभी तक तो मैं वैसे जो साहब इन्होंने बताया है उस तरह तो इनके अपना फ्राइड राइस जस्ट लाइक वो कहते हैं कि फ्राइड चावल करके ना, फिर उसको ये मसाले वगैरह बना के फिर उसके अंदर दम देते हैं. ठीक है, तो ये अच्छी होगी वैसे, ये जबरदस्त बिरयानी. क्या तारीफ, शेफ ने प्रूव कर दिया. सी आई एम सर्टिफाइड बाय शेफ. जी, शेफ वसीम वसीम रजा. वसीम रजा है सर्टिफाइड. वसीम की नौकरी खतरे में हो गई है. ठीक है, अब ठीक है. अच्छा जी, मसाले डल गए, चिकन फ्राई हो गया, फिर क्या डाला? अभी दोनों चीजें अलग अलग हो गई, आपके चावल दम पे लग गए, फिर आपने क्या किया, आपने चावलों की लेयर मसाले की हल्की सी पतली सी लेयर डाली, उस पे चावल डाले, फिर चावल की इतनी मोटी लेयर, फिर मसाला डाला और थोड़ी सी चिकन डाली. अच्छा, याद रखिए इसमें कोई टमाटर कुछ भी नहीं, सिर्फ चिकन और मसाला है और फ्राइड जो है. बिल्कुल, एक चीज आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में कराची से आप लोग. जी जी जी, कराची वालों को बहुत जबरदस्त फूड होता है. कराची वालों से तुम बिरयानी नहीं कर सकते ना, माइंड कर जाते हैं, शो छोड़ के चले जाएंगे. मैंने कह दिया यहाँ बेहतर मिलती है, तो हो गया. ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना, बड़े मतलब मैं भी कराची में रहा हूँ और बड़ा मजा आता था खाने का ना वहाँ पे. हाँ, मुझे तो सिर्फ अपना यहाँ का पेशावर का खाना, गोश्त जी, गोश्त पसंद है जी. हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ. शो बहुत शुक्रिया सबको, बहुत खुश आमदीद, और सबकी बातें बड़ी अच्छी अच्छी लग रही हैं. यहाँ जो मेरे शेफ भाई हैं जो अभी भी बिरयानी बनाने जा रहे हैं, ये वाले शेफ भाई, ये वाले जी जी, ये चीफ है, ये शेफ. हाँ, ये मैं आपको आपकी बिरयानी का मेथड मुझे अच्छा लगा है, और ये वाकई बहुत लाइट होती है और ज्यादा मैदे पे वो वजन शजन नहीं करती. बच्चों के लिए बड़ी आसान है, और बच्ची की जो जितनी कास्ट है ये सबको बहुत खुशामदीद. थैंक यू, आपको भी बहुत ज्यादा खुशामदीद. ट्रेलर देखा है आपने?
سنا ہے کہ پرچی فلم اس دفعہ جو یہ سعودی عرب میں بھی جی جی بالکل سعودی عرب میں 19 جنوری کو سعودی عرب میں پہلی دفعہ ایک پاکستانی فلم ریلیز ہو رہی ہے وہ ہے اس کا نام ہے پرچی کیا بات ہے یہ مجھے اس سے بڑی اچھی وہ توقعات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تو یہ کہ آہستہ آہستہ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے سب لوگ لوگوں کو گھروں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے سنیما ہال میں لے کے جا رہے ہیں آپ بھی جائیے گا کیوں نہیں میں تو میں آپ کو بتاؤں بھائی میں آپ کو اور سب میں کو میں کہوں گی کہ میں اب بلیو کریں گی تو اب تو بہت لوگ فلم دیکھتے ہیں میں شروع سے دیکھتی ہوں جسٹ یہ سوچ کر کہ جب بہت کم لوگ کہ شاید اس دفعہ یہ ہمارے یہ پیسے کسی ٹیکنیشین کو چلے جائیں گے یہ ہمارے پیسے کسی اور کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا سندرس کہ میں سینما گئی ہوں اور میں نے کبھی انڈین مووی دیکھی میں نے کہا جب پیسے ہی لگانے اپنے بھائیوں کو کیوں نہ جائیں یہی بات ہے یہی بات ہے اسی لیے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اب یہ سب اچھی باتیں کہیں گے فلم دیکھنے کے بعد انہیں ضرور کال کیجیے گا 5 جنوری کو آ رہی ہے ضرور دیکھیے گا پرچی جائیں گے اس دن میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے تو اس خوشی میں بھی جائیں گے اور ویسے بھی جو مووی لگے میری ایک طریقہ ہے شروع سے میں کہتی ہوں کسی دن بہت بڑا والا کھانا نہیں بناؤ عام چیز بنا لو لیکن مووی ضرور دیکھنی ہے مووی ضرور دیکھنی ہے تھینک یو سو مچ فار کالنگ آپ لوگ کے کوئی اسپیشل اپیئرنسز ہیں کوئی پریمیئرز پر سم تھنگ ہو سکتی ہیں تو پھر اس میں تو زیادہ اگر آپ فلم دیکھیں گے اگر آپ فلم دیکھ رہے ہیں کسی تھیٹر میں 5 جنوری سے لے کے کسی بھی جنوری میں اور ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے نا سرپرائز وزٹس کریں گے تو ہو سکتا ہے لاہور کراچی اسلام آباد گوجرانوالہ فیصل آباد ہم کہیں بھی ہو سکتے ہیں تو ہم آپ کے تھیٹر میں بھی ہو سکتے ہیں تو ضرور جائیے گا نکلے گا سنتھیٹر میں بھی ہم ہو سکتے ہیں اور تو یہ اگر آپ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں سب ایک ساتھ ہوں گے یا ایک ایک ہر شہر میں ہوں گے جی سب ساتھ میں بھی ہو سکتے ہیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس شہر میں ہے وہ جا کے وہاں سنیما وزٹ کر لے گا اگر کوئی ٹیم اس شہر میں اویلیبل ہے وہاں کر لیں گی کیا ہو سکتا ہے آپ ایک دم سے جو ہے نا علی رمانا ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ملیے گا ضرور بہت پیار سے اچھا جی ہماری ریسیپی آلموسٹ ریڈی ہے ہم نے فرائی کرنے کے لیے جو ہے اس کو چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کا چکن فرائیڈ ہوگا جائیے گا مت اگلا بندہ کچھ کہے گا یو آل کین سے سم آئی وانٹ کہ سب گیس کرائیں گیم شو پہ کی تھی میرے میرے شو پہ بہت دفعہ ہو چکی ہے کوئی اوریجنل گیم نہیں ہوتی پاکستان میں جی جی بالکل ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اور وی کال کانفیڈنس یہ بات ٹھیک ہے اوور اوور کانفیڈنس اچھا تو ہو ڈو آئی اسٹارٹ وتھ ظفر ظفاری یہاں سے آتے ہیں یوں کریں سر یا وہاں سے آتے ہیں یہاں سے اینڈ دی فرسٹ ورڈ از میں بتا دیتی ہوں دین ایوریبڈی ہیز ٹو میک دیم گیس او اپنے منہ میں مٹھو یہ یہ تو بہت تیز ہے بھائی اشارے نہیں کرنے یہ ڈم شریڈز اٹس یا ٹھیک ٹھیک یا ویل آئی ایم سوری سمارٹ شریڈز اوہ آلموسٹ چلیں خود چوز کیجئے او تھینکس چلیں اتنی کوئی خطرناک چیز نہیں کہ 1 کروڑ کا انعام ہے ارے
नमक पा रही नमक ओके देखो टप्पी ना नमक इनको देखें नमक नमक उन तो मूंछों के नीचे वैसे कुछ नहीं पता चलता क्या कह रहे हैं धमक धमक नमक नमक ना ना नमक व्हाट व्हाट इज नमक नमक हमक नमक धमक नमक नमक ये पारे मारे नमक मारे पारे पा रे नमक बाले पारे नमक पा पा रे नमक पालक पारे नमक पालने हैं पा रे पर नमक पार रे नमक पारे नमक पारे Finally, sir, आपके लिए added drama to the show. Added value, good value. अरे दादा, ये तो पूरी नज़म दे दी है, पूरी नज़म दे. ये तो पूरी 10 times continuous बोलना है. अरे, ये mix कर दी पर्चियाँ. अरे ऊँची. ओहो. नहीं नहीं नहीं. हल्का सा सुरूर. पिछली पर्चियाँ नहीं निकाली थी. हल्का सा सुरूर. Okay. पहले एक साथ बोलो. एक साथ. हल्का हला हल्का काला हल्का 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 हल्ला हल्का हल्ला हल्ला खुद का का तेरा खुद का 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 हल हल का ला का ना का हल्का का 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 इसके साउंड है शा डा 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 सा हल्का सा आगे क्या हो सकता है कॉमन सेंस सुरूर सुरूर हल्का सा सुरूर जस्ट एक्ट इट आउट सुरूर एक्ट इट आउट सुरूर 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 लेट्स डू हल्का सा सुरूर हल्का सा सुरूर हल्का सा आपने हल्का सा सुरूर मेरा सुरूर थोड़ा सा ओ वाओ मेरा अच्छा जी अच्छा लेट्स एक्ट इट आउट बिकॉज़ वरना कभी भी खत्म नहीं होगी ठीक है एंड पे होगा क्या पहले अगर अगर तो हो गया आगे नहीं हो सकता ये तो नहीं किया ना हमने हाई हील से नचे अच्छा हाई हील अल्ले 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 बोरा अल्ले अल्ले भाई हाय भाई हाय हाय ओके दिस गेम इज रियली हाय दिस इज नॉट अ गेम दिस इज टॉर्चर हाय हाय हां हाई हील 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 या हील 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 हाय ये High heel. 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 High heel. High heel. Te. Tille. Tille. हर चीज़ पे तिले कहाँ आ जाता है? तिले खाने की चीज़ नहीं, खाने नहीं। शक्की भाई आपके होंठ कहाँ मिल रहे हैं यार? मेरे होंठ ज़्यादा लगे। Te. 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 Tille क्या होता है? Te. तो ये है गाना है भाई हाउ
इतना मशहूर गाने हो रहे थे जो पहले से बता रहे चुप चुप के पहले से सरसो सरसो का तेल ये नहीं सरसो का साग क्या बात है मुझे क्यों इतना मुश्किल दिया था मुझे नहीं मुझे मुझे तल्ले क्यों मुश्किल दिया था तल्ले 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 अब तल्ले विल बी ओ चेक कराए नजर मैं दो तीन खोलता हूं दो तीन खोले ऐसे नहीं दो तीन खोले दो तीन खोले सारी पर्चियां क्यों खोल ली है ओ ओ ओ ये कौन सा गया चटपटी चटनी जी चक्की चटपटी चाट पट्टी चटपटी व्हाट एक साथ यार मोज़ेब तमीज़ वाली बातें करना सारे एक साथ चटपटी चाट पट्टी चाट रुको चटपटी चाट यस नहीं 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 है नहीं है नहीं है चांदी के ठुमके बोल रहे चटपटी दाद चटपटी चटपटी दाद सात दाद दाल दाद करके दिखाओ ना दाद ये दाद की दाद 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 नहीं नहीं चटपटी चाट चटपटी चाट 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 दाद चटपटी दाद दाद चटपटी दाद चटपटी सात सात नहीं ये क्या होता है दाल क्या ये क्या होता है मैंने कहा कि मुझे भी देखे रात रात व्हाट चटपटी रात लात चटपटी लात रात रात नहीं दांत चटपटी गाना रुक जाता है फिर भी समझ नहीं आ रहा बात 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 चटपटी खैरात खैरात लात दांत यार चटपटे दांत समझ आ गया चटपटी दांत चटपटी दांत यार मैं कह रहा हूं ये दांत वाज क्लोज टू दांत यार देखो देखो गाना बीच में वो पिक्चर वाली पार्ट आती है रुक जाता है फिर मुझे समझ नहीं आ रही नॉट फेयर अच्छा जी रॉन्ग था एक्चुअली जो था वो था चांदी के झुमके आपने This is not fair at all. Not fair at all. अच्छा जी, वो कितने boards हैं? चांदी के boards ठुमके. अच्छा मेरे पास boards नहीं हैं, so let's do it without the boards. I'm going to ask you questions और जल्दी जल्दी से जो है ना जवाब देना है, ठीक है? Rapid fire. अभी किधर गया? कौन किससे पूछेगा? Rapid fire. हाँ, नहीं नहीं. Rapid हो. शफकत से पहले है, ठीक है? जी बताएं. हमारे पास boards से अगर वो आ जाते हैं, so it's either yes, no और बात असल में ये है देखिए जी मैं राइटर हूं सो यू कैन ईदर एक्सप्लेन इट और यस और नो बोर्ड्स आ गए ईदर एक्सप्लेन इट ईदर यू से यस नो और यू से बात असल में बात ये है एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट राइट बट आई वुड प्रेफर दैट यू जस्ट से सच है झूठ है ठीक है अच्छा ओके गुड आपका ये मानना है कि खवातीन मेकअप से पहले और मेकअप के बाद दो अलग खवातीन नजर आती हैं सच है बी वेरी केयरफुल फेमिनिस्ट सच है डू यू थिंक आई एम अ डिफरेंट पर्सन विदाउट माय मेकअप क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं ना बेनिफिट ऑफ डाउट ओके अच्छा मैं कॉमेडी कैरेक्टर प्ले करता हूं तो लोगों से अगर नहीं अच्छा मैं क्योंकि इतने ज्यादा कॉमेडी कैरेक्टर्स प्ले करता हूं सो इवन व्हेन आई टॉक सीरियसली टू पीपल मुझे सीरियस नहीं लेते हां ये आप ही से तीनों सवाल आपके ओके इज दैट ट्रू सच है ट्रू कोई सीरियसली नहीं लेता आपको जानान मूवी जनान मूवी जी जी अरे जनान मूवी में आने के लिए पर्ची हुई लेकिन पर्ची में आने के लिए पर्ची की जरूरत नहीं पड़ी झूठ झूठ है बात कुछ यूं है क्या बात है बात कुछ यूं है कि जनान में नहीं जनान में मेरा कैरेक्टर था खानजादा अच्छा तो वो मैंने किया बट वो नहीं था वो स्ट्रिक्टली बिकॉज ये बंदा हाँ. नहीं छोड़ता और अच्छा. इमरान काजमी भी ऐसे नहीं छोड़ता जब तक मैं अली रहमान की बात को सेकंड करूंगा कि जब तक एक्टिंग अच्छी जब तक टैलेंट ना हो हाँ. और इस मूवी में पर्ची हाँ. जो कि मैंने लिखी है हाँ.
writer of the movie. So they didn't have, so didn't have a chance. They didn't have a chance. Good. Amazing. No, no. Mojiz. मुझे समझ नहीं आती लोग डाइट फूड खाने से पहले डाइट फूड खाने से पहले खाते हैं या खाने के बाद. What? हाँ. बात कुछ यूं है. ज़्यादा बात कुछ यूं है कि डाइट मेरे को समझ ही नहीं आती. समझ ही नहीं आती. बॉडी समझ नहीं आता. क्या बात है. है क्या डाइट. मतलब मर गए. डाइट इज डाइट फॉर मी. अच्छा अगर मैं पुराने जमाने का हीरो होता तो मैं अपने साथ मथीरा को एक्ट्रेस रखता. पुराने के होने की क्या बात है. क्या आपने मथीरा भी सच है कह दिया. नहीं, वो साथ में होती ना. हाँ, साथ वो होती कभी भी मैं जिस जमाने में होता वो मेरे साथ होती. तो मैं क्या सच बात है, जी है। मुझे लगता है पाकिस्तानी सच है. बात कुछ यूं है कि मुझे लगता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अब तरक्की करना शुरू हो गई है इसलिए मैं मूवीज में आने लगा हूँ. पहले मुझे ये लगता था मेरे काबिल नहीं है. सच है. ये आपने क्या कर दिया. अच्छा जी झूठ है. जल्दी से जल्दी से नेक्स्ट 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 अहमद अली. अगर मुझे मौका मिले बॉलीवुड में जाने का तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा फन मूवी. बात कुछ यूं है कि मैं स्क्रिप्ट जरूर पढ़ूंगा. अच्छा जी. शकर वंडा सॉन्ग कुड़ी नचती कमाल से बेहतर सॉन्ग है. बात कुछ यूं नहीं हो सकता इस पे. सच है या झूठ है. जल्दी जल्दी जल्दी. वी हैव लाइक 2 मिनट्स लेफ्ट. बात कुछ इनको हटाई. यस और नो. गाना बेहतर को. यस और नो. गाना बेहतर. वाइंड अप. अच्छा वाइंड अप होने का टाइम हो गया. नहीं तो बात कुछ यूं है कि वो दोनों का अली रहमान उस्मान खालिद भट्ट की कोरियोग्राफी इतनी टफ थी कि मैं दुआ करता था आज वो सेट पर ना आए. झूठ है. झूठ है. अपने फ्यूचर में एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहता हूं. बात कुछ यूं है कि दोनों करूंगा. हरीम फारूक प्रोड्यूसर से ज्यादा एक अच्छी एक्ट्रेस है. झूठ है. बात कुछ यूं है कि वो दोनों अच्छी हैं. मुझे अली रहमान की हर टाइम चाय के साथ बिस्किट खाने से शदीद चढ़ है. झूठ है. झूठ है. काश अभी हरीम सेट पर आई होती तो मुझे इन सब को अकेले संभालना ना पड़ता. झूठ है. अली रहमान के अलावा मुझे कोई पाकिस्तानी एक्टर में वो बात नजर नहीं आती जो एक अच्छा एक्टर चाहिए. ओह सच है. ओह बात.